हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए या उनके लिए है जिनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और यहाँ बैक में छोटे छोटे दाने निकले और पिंपल की प्रॉब्लम है और बहुत सी प्रॉब्लम है जो बॉडी से रिलेटेड है। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। बट उससे पहले तुम्हें भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली वीडियो आपके लिए। और चैनल को नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और मेरे भाई, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, और अगर आपको अपने प्रॉब्लम पे वीडियो बनवानी हो तो भाई को सीधा इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, आज जिस टॉपिक पे बात करेगा आपका भाई वो है बॉडी हीट। बॉडी हीट क्या है? बॉडी हीट मतलब आपकी शरीर की गर्मी, वो ज़्यादा होने पे भाई ये सब प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहले आपके हेयर फॉल इतना स्टार्ट हो जाएगा और आपके बैक पे यहाँ पे आपके छोटे 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 दाने निकल आएंगे और आपको पिंपल बहुत ढेर सारा हो जाएगा और आपका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा गैस बनने लगेगी। तो मेरे भाई, मेरे पास कुछ ऐसे 5 ज़बरदस्त तरीके हैं जिनको मैं बताऊंगा, अगर आपने कर लिया तो आपकी जो बॉडी की हीट जो ज़्यादा है वो कम हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप सभी को पता है बॉडी में पिथ ज़्यादा बढ़ने पे हेयर फॉल की प्रॉब्लम या पिंपल की प्रॉब्लम या गैस बनना और बहुत सी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो मेरे भाई, नंबर 1 तरीका, आपको जब भी सोना है, सोने से पहले आपको एक काम करना है, आपको बाल्टी लेनी है, बाल्टी में आधा बाल्टी पानी भर लेनी है और उसमें आपको आइस क्यूब बर्फ़ डाल देनी है, इतनी डाल देनी है कि वो ठंडा हो जाए पानी, और उसमें आपको पैर अपना डाल देना है, कम से कम 15 मिनट तक रखे रहना है। ऐसा आपको रोज़ करना है, एक वीक तक करना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और मेरे भाई, जिस दिन करोगे उस दिन करने के बाद आप नींद देखना कितनी अच्छी आएगी, आप इसको करना स्टार्ट कर दो। और दूसरा तरीका मेरे भाई, पानी। हाँ भाई, पानी आप जितना हो सके उतना पानी पियो, जितना आप पानी पियोगे उतनी आपकी बॉडी ठंडी और कूल रहेगी। और मेरे भाई, आपको कम से कम एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी तो पीना चाहिए। वो पानी कैसा? फ्रिज का नहीं मेरे भाई, फ्रिज का पानी मत पीना, फ्रिज का पानी नहीं पीना। आप एक घड़ा ला सकते हो, सुराही जिसे बोलते हैं, उसको ले आके उसमें आप पानी रख सकते हो, या तांबे का बर्तन हो आपके पास तो उसमें रखो, उसका पानी पियो, बहुत ही बेनिफिट होगा। तीसरा जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो मेरा फेवरेट है भाई। तीसरा तरीका बहुत ही आसान है। आपके घर में चावल जो राइस होते हैं वो वाइट कलर वाले, वो उसको लेना है और उसको कम से कम 4 या 5 चम्मच लेना, और मम्मी जिससे अदरक कूटती हैं उसमें आपको वो चावल डाल के कूटना है, और आपको छोटी गिलास लेनी है, उसी में आपको पानी डाल देना है, पानी डाल के उसको 4 घंटे के लिए रख लेना है। गाइस, 4 घंटे के बाद उस पानी को छान लेना और उसको पीना है। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हो, बहुत ही हेल्प मिलेगी, आपकी बॉडी की जो ज़्यादा एक्स्ट्रा गर्मी है वो निकल जाएगी। मैं जो चौथा बता रहा हूँ ये तो साधु संत लोग भी यूज करते हैं, मैं चंदन की बात कर रहा हूँ। अगर चंदन आपको अच्छा मिलता है तो आप चंदन ले लो और उसको उसका पेस्ट बना के अपने ये यहाँ पे आप लगाओ, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स आपके माइंड को मिलेगा और पूरी बॉडी को। और मेरे भाई, 5वां लास्ट है डाइट। आप क्या खा रहे हो यार? तेल, मसाला, ऑयली चीज़ें खाओगे, तीखी चीज़ें खाओगे तो आपकी बॉडी की जो गर्मी है और बढ़ेगी और हेयर फॉल की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, हर जगह की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट होगी। तो आपको ऑयली चीज़ें, मसालेदार चीज़ें और तीखी चीज़ें से दूर रहना जितना हो सके। आप खा सकते हो हरी सब्जियां खा सकते हो आप बहुत अच्छे से, और फल में आप तरबूज खा सकते हो, हिरमिंजी खा सकते हो, ये सब ऐसे फल हैं जो पानी वाले फल जिसमें पानी पाया जाता है वो खाओगे, करेला खा सकते हो आप, ऐसे ये सब खाओगे तो आपकी बॉडी की जो एक्स्ट्रा हीट है, जो एक्स्ट्रा गर्मी है वो कम होगी और आपकी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। और बोनस के तौर पर तुम्हारा भाई 6वीं टिप्स और 6वां तरीका बता रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सुबह आपको उठना है, उठने के बाद आपको योगा करना है, एक कपाल भाति करनी और दूसरा आपका अनुलोम विलोम करना है, ये दोनों आप करना स्टार्ट कर दो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो मैंने अभी आपको 6 तरीके बताए इसमें से आपको कौन सा बेस्ट लगा, कौन आपको पसंद आया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो कैसी लगी? आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।